नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका आज की इस नई वीडियो में। बड़ी जानकारी दुबई की उड़ानों को लेकर देने जा रहे हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए, उसके पहले अगर आप चैनल पर नया हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आप हमारे चैनल से मिस ना कर सके। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पर एमिरेट्स एयरलाइंस से हम उम्मीदें लगाकर बैठे हुए थे कि 7 जुलाई से जो ऑपरेशन हैं उनको शुरू कर दिया जाएगा एमिरेट्स एयरलाइंस की तरफ से। काफ़ी लंबे समय से काफ़ी सारे लोगों ने बुकिंग करवा रखी थी 7 जुलाई से दुबई जाने के लिए एमिरेट्स एयरलाइन से। बुरी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे एमिरेट्स एयरलाइन ने एक बार फिर से बड़ी अनाउंसमेंट करके बता दिया है कि सभी पैसेंजर्स के लिए नॉर्मल फ्लाइटों को भारत से दुबई के लिए कैंसिल किया जा रहा है। आपको बता दें केवल भारत से ही नहीं, बाकी और भी 14 ऐसी कंट्रीज है जहाँ पर से कि ये जो उड़ानें हैं इनको बैन किया जा रहा है फर्दर नोटिस के लिए। यानी इस बार 7 जुलाई से जो बैन कर रहे हैं इसमें डेट भी नहीं दी है कि इसको कब तक जो है बैन रखा जाएगा। आपको बता दें जो और भी कंट्रीज से जहाँ से कि उड़ानें बंद कर गई हैं उनमें शामिल है पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, वियतनाम, साउथ अफ्रीका, नबिया, जाम्बिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, सीरिया, लियोन्स, लाइब्रिया एंड नाइजीरिया। इन सभी जगहों से जो है यहाँ पर फ्लाइटें बंद कर दी गई हैं। दुबई की क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का ये बड़ा फैसला है। एमिरेट्स एयरलाइन ने इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट अपने ट्विटर हैंडल पर भी कर दी गई है। साथ ही आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, COVID-19 के लगातार जो नंबर्स हैं वो भारत में मिल रहे हैं डेल्टा वेरियंट के, तो ऐसे में डेल्टा वेरियंट उन लोगों पर ज़्यादा असरकारक हो रहा है जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है। तो आप मेक श्योर करें कि आप अपने दोनों डोज जो है वैक्सीन वो कंप्लीट करवा लें, तो आप जो अपनी जान है उसको भी सुरक्षित कर देंगे, साथ ही अपने परिवार वालों की जान भी आप सुरक्षित करेंगे वैक्सीन लगवाने से। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम।